इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रिटेल ट्रेडर्स और एक स्मार्ट मनी ट्रेडर्स के बारे में, कैसे करके दोनों का चीजें देखने का अलग अलग व्यू होता है, मार्केट को देखने का एक नजरिया अलग होता है। हम जब भी एंट्री लेते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस क्यों होते हैं, आपकी ट्रेड प्रॉफिट हिट करती है उसके बाद में और ज्यादा नीचे ड्रॉप क्यों होती है या फिर और ज्यादा अप क्यों जाती है, आपके बाय करने के बाद में ही मार्केट रिवर्स करती है, आपने जब भी ट्रेड लिया आपका स्टॉप लॉस होगा, ब्रेक इवन हुआ उसके बाद में मार्केट जहां आपने प्रेडिक्ट किया वहीं पे जाती है, या फिर आपने छोटे छोटे प्रॉफिट लिए लेकिन बड़े बड़े स्टॉप लॉस हो रहे, ये सारी चीजें ना एक ही चीज पे काम करती है, वो है ट्रैप, लिक्विडिटी एंड ट्रैप। ये क्या चीज है और इसको कैसे करके क्रिएट किया जाता है, ये बेसिकली क्रिएट की जाती है बैंक और इंस्टीट्यूशनल और जो आपका ऑपरेटर होता है, इनको कैसे पता होता है कि आपके स्टॉप लॉस कहाँ है, आपकी एंट्री कहाँ पे। बेसिकली ये कभी भी आपके स्ट्रक्चर पे ट्रेड नहीं करते, ये कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते। आपको ये लगता होगा कि इनके पास कोई यूनिक स्ट्रेटेजी है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड या फिर किसी भी एक ऐसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं जिनसे ये प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर ऑफ ऑर्डर पे काम करते हैं, आपके जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे वहां पे ये इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और उस एरिया को ये मैनिपुलेट करेंगे, उसके बाद ही मार्केट नीचे जाएगी या फिर ऊपर लेकर जाएंगे। ये जानबूझ करके ब्रेकआउट क्रिएट करेंगे और ये स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे, सब कुछ इनके हाथ में है। क्यों? क्योंकि इनके पास में बहुत सारा फंड्स है और ये मार्केट को चलाते हैं, ये मार्केट मेकर है और हम इनमें रिटेल ट्रेडर्स हैं। हम करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड, पिवट लेवल हो गया, फिबोनाची टूल हो गया, मूविंग एवरेज और बहुत सारी स्ट्रेटजी का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखोगे इतना लोग सक्सेस नहीं हो पाते, बहुत कम लोग हैं जो कि सक्सेस हो रहे हैं अपनी डिसिप्लिन और अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से, लेकिन मेजॉरिटी लोग यहां पे फेल हो रहे हैं। उसका क्या रीजन है, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में चीजें कैसे काम करती हैं और आपको इस वीडियो देखने के बाद में चार्ट देखने का नजरिया एकदम से चेंज हो जाएगा और आप क्या गलती कर रहे हो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पे मेरी कि ये सब है रिटेल ट्रेडर्स जो कि यहाँ पे मौजूद है, ये सारे लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं, मैं आप हम सब रिटेल ट्रेडर्स हैं और हम यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर रहे हैं और एक बड़ी फिश होती है जो वेल्स हो रही है, जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वो आपके स्टॉप लॉस कलेक्ट कर रहे हैं और आपका पैसा खा रहे हैं तभी वो पैसा बना रहे हैं, क्योंकि हम सब मिलकर के लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं और वो लिक्विडिटी को स्वीप करते हैं, क्योंकि उनका काम ही है, क्योंकि आप अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे एक जगह पे रखोगे तभी वो वहां पे मार्केट को रिवर्स करेंगे और आपके स्टॉप लॉस कलेक्ट करेंगे, तभी उनके ऑर्डर जो एक्टिवेट होंगे, क्योंकि उनके पास में बहुत सारा फंड्स होता है, क्योंकि उनके पास छोटा अमाउंट नहीं है जो कि उन्होंने लगाया और उनके एक्टिवेट कहीं से भी हो गया। मार्केट को मैनिपुलेट करना उनके हाथ में है, वो कभी भी आपके चार्ट पैटर्न या किसी पे भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये तो स्टोरी होगी एक रिटेल ट्रेडर्स की और एक बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल की। अब इसमें मेरा क्या रोल है, एक्चुअली मेरा कोई रोल नहीं है, मैं भी एक ही रिटेल ट्रेडर्स हूँ और हम सब रिटेल ट्रेडर्स हैं जैसे कि मैंने बताया, लेकिन मेरा स्ट्रेटेजी एक देखने का नजरिया चीजों का थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। मैं चीजों को थोड़ा अलग व्यू से देखता हूँ, जहाँ पे सब लोग बाय बाय देख रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन देखूं कि एक्चुअल में वहाँ पे बाय है या सेल है, कैसे करके लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, कहाँ पे लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, ब्रेकआउट के नाम से, पैटर्न के नाम से, सपोर्ट रेजिस्टेंस के नाम से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि जनरली जब भी मार्केट में इंस्टीट्यूट एंटर होते हैं वो अपना एक इंडिकेशन देते हैं, अपना एक फुटप्रिंट वहाँ पे छोड़ते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, क्यों हुई, कैसे करके किया, वो सब रीड करना आपको आना चाहिए, तभी जाकर के आप उनके पीछे पीछे आप ट्रेड कर सकते हो। सो बेसिकली मेरी जो स्ट्रेटेजी है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो सिर्फ और सिर्फ इनके फुटप्रिंट पे ही काम करती है और मैं कोई नॉर्मल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग अवेयर भी होंगे, कुछ लोग करते भी होंगे स्मार्ट मनी, मैं ट्रू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भी, डिफरेंशिएट दिखाऊंगा कि एक जनरल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और एक रिटेल ट्रेडर्स और एक ट्रू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस होता है। यह एक जनरल प्राइस एक्शन जो कि आमतौर पर लोग यूज करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पैटर्न्स पिवट फिबोनाची टूल एवरीथिंग, ओके। आप देख सकते हो इस पॉइंट पे ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया मार्केट ने और जैसे ही मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर लोग मेजोरिटी लोग सेल करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे अर्ली सेलर्स होते हैं, यहाँ पे सेल किया, प्रॉफिट यहाँ तक बनाया उन्होंने ऑब्वियसली। उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं सेल के लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से दो तीन चार बार यहाँ पे ट्रैप हो चुकी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इंट्रोड्यूस हो जाते हैं एक लेवल। जब भी कोई सपोर्ट या डिमांड पे मार्केट बार बार ट्रैप करती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं बाय और सेलिंग के लिए और लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे सेल कर रहा है सबके स्टॉप लॉस इसके अबव ही है
उसके बाद क्या होता है, मार्केट में सडन पंप आया और मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद सारे स्टॉप लॉस कलर किए। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टोरी दूसरी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे अब यहाँ पे दूसरी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है कि जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया बुलिश इंगल्फ कैंडल के साथ में, फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, सेलर्स के स्टॉप लॉस हुए, अब बायर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए। ये दोनों स्टोरी यहाँ पे चली। उसके बाद में कुछ लोगों ने यहाँ पे पुल बैक पे बाय करते हैं और कुछ कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन करते हैं, जैसे कि पिन बार बना, हैमर टाइप के कैंडल बना, यहाँ पे लोग बाय करते हैं कंफर्मेशन का, स्टॉप लॉस इस लो के नीचे डाला, इस लो के नीचे डाला, जैसे ऐसा सबका अपना अपना एक स्ट्रेटजी है, जनरल आमतौर पर लोग यही करते हैं। और उन्होंने जैसे यहाँ पे बाय किया, बाय करने के बाद में मार्केट में एक रिटेस्ट के बाद में फिर से नीचे आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक हुआ नीचे के लिए, ये सारे बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ से कलेक्ट किए मार्केट ने और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई क्योंकि सबका अपना अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल है। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे नए सेलर्स एक्टिवेट हुए और जैसे ही इन लोगों ने सेल किया, स्टॉप लॉस इसके अबव डाले। जनरली ये सबके साथ में होता है क्योंकि हम जब भी बाय या सेल करते हैं तो बेसिकली हम स्विंग हाई लो के नीचे स्टॉप लॉस डालते हैं। तो यहाँ पे भी सेम स्टोरी हुई, मार्केट ने यहाँ पे सेल किया, ऊपर स्टॉप लॉस डाले, मार्केट जैसे ही नीचे पुल बैक किया, एक नया पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर दिया और भी ज्यादा लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए सेल के लिए और स्टॉप लॉस प्रॉब्ली यहाँ पे डाले कुछ, यहाँ पे कुछ मेजोरिटी यहाँ पे रहेंगे। और उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया। और ये ट्रैप ऐसा नहीं कि आपको देखोगे कि ये आपको डेली देखने को मिलेगा, हर एक टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा, हर एक करेंसी पेयर में देखने को मिलेगा, अलग अलग सेक्टर में देखने को मिलेगा। आपका कोई भी मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक हो, कुछ भी हो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट का, ओके। तो मार्केट ने फिर क्या किया, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद में सारे स्टॉप लॉस कलर किए, यहाँ से जितने भी सारे स्टॉप लॉस थे लोगों ने यहाँ पे दोबारा से सेल किया, एक रेजिस्टेंस मान करके, एक डबल टॉप मान करके। और फिर क्या हुआ, दोबारा से जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पे थे उनके सारे स्टॉप लॉस कलर किए और एक ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट के बाद जनरली लोग बाय करते हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय किया और जिन्होंने बाय किया उन्होंने एक क्विक प्रॉफिट बनाया यहाँ से, और बाकी लोगों ने यहाँ से सेल किया क्योंकि यहाँ पे एक डबल टॉप बना, यहाँ से रिजेक्शन मिला, लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया। हर एक लो और हाई के नीचे लिक्विडिटी होती है, लोगों को पता नहीं होता ये चीज ज्यादातर, क्योंकि उसी के नीचे ज्यादातर लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। जब भी हम बाय सेल करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस रीसेंट हाई और लो के नीचे डालते हैं। और जब भी मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाएगी, आपने कभी नोटिस शायद किया हो ना किया हो, मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेने के बाद ही जाती है। आपका रीसेंट जिस पे स्टॉप लॉस डाला है उसी को टैप करके मार्केट दोबारा से वापस आती है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से हमारे स्टॉप लॉस होते हैं और ज्यादातर हम चीजें लॉसेस में करते हैं। तो ये एक जनरल प्राइस सेक्शन है जो कि आमतौर पर सारे लोग देखते हैं, एक रिटेलर्स देखते हैं, एक जो भी आपकी स्ट्रेटजी उस पर देखते हैं, ज्यादातर लोग यही चीजें कर रहे हैं और मेजोरिटी ऑफ लोग यहाँ पे इसीलिए पैसा लूज कर रहे हैं। तो ये तो हो गया एक जनरल प्राइस सेक्शन के बारे में जो कि हम ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं। अब चलते हैं एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि मैं यूज करता हूँ, कैसे करके मार्केट के फुटप्रिंट को रीड कर सकते हैं, उनको ट्रेड कर सकते हैं। ये है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और इसमें और पहले वाले चार्ट में आप देख सकते हो, चार्ट दोनों सेम है लेकिन देखने का नजरिया अलग है, दोनों के आउटकम अलग है। आप देख सकते हो कि पहला जो ट्रेड है इसमें 1:11 है और दूसरे में 1:15 और तीसरे में 1:17। इसमें 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इसमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और इसमें 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट का। इतना कम स्टॉप लॉस और इतने बड़े रिस्क रिवॉर्ड कैसे पॉसिबल है? ऐसा नहीं है कोई भी चीज यहाँ पे कोई भी रेंडमली बना दी गई, हर एक चीज लॉजिकल है क्योंकि मार्केट में हर एक मूवमेंट यूनिक होता है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने डिमांड पे टैप किया, अब ये डिमांड कैसे आइडेंटिफाई करना, ये चौक कैसे होता है, ये बॉस क्या होता है, इस पे हम आगे वीडियो बनाएंगे। पूरी सीरीज यहाँ पे बनेगी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। ये पहला वीडियो है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट ने यहाँ पे इसको हाई स्वीप किया तो ये सिर्फ ऐसे ही किया, इसके पीछे एक लॉजिक होता है कि मार्केट ने इसका हाई क्यों स्वीप किया और मार्केट यहाँ से फिर क्यों रिवर्स की। ये जब भी आप देखोगे स्टॉप लॉस इनके नीचे मिलेंगे आपको और मार्केट उसी स्टॉप लॉस को लेने के बाद ही रिवर्स करेगी। मार्केट में जब भी आप देखोगे ये सारे हाई है, ये जब भी ब्रेक होंगे तभी मार्केट नीचे आएगी, जब भी आपका लो ब्रेक होगा तभी मार्केट ऊपर जाएगी। ये सब चीजें कोई भी रैंडमली नहीं होती हैं, ये सब चीजें मैनिपुलेट की जाती है एक ऑपरेटर के द्वारा, एक बैंक्स के द्वारा, इंस्टीट्यूशनल के द्वारा। यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लिया, मार्केट क्यों रिवर्स किया, फिर इसका क्यों लिया और फिर ऊपर क्यों गया, हर एक चीज लॉजिकल होती है।
है, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जहां पे डिमांड है वहीं पे लिक्विडिटी है, जहां पे रेजिस्टेंस है वहीं पे लिक्विडिटी है, जहां आपका पिवट लेवल है वहीं पे लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है। प्रीवियस डे का हाई लिक्विडिटी है, वही ब्रेक होते हैं तभी मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। जब तक लिक्विडिटी मार्केट से कलेक्ट नहीं होगी मार्केट नहीं हिल सकती है, समझ लो ऐसे करके। और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कह सकता हूँ गारंटी के साथ में कि आप एक हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाली है, जो अभी तक आपने शायद ही किसी के थ्रू सुनी हो, देखी हो या ऑब्जर्व की हो, क्योंकि इस टॉपिक के कोई भी बात नहीं करना चाहता। सबको चाहिए सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि वो चीजें आसान है, लोगों को समझने में आसानी होती, लेकिन एक्चुअल में चीजें कैसे काम करती इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। वही चीजें आपको एक अच्छा ट्रेडर बना सकती हैं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती हैं, क्योंकि जब तक आप उसके पीछे का रीजन नहीं समझ पाओगे कि कोई भी मोमेंट क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, सप्लाई डिमांड ब्रेक हुआ, आप बाय सेल कर रहे हो, ये एक बेसिक थ्योरी है जो कि आपको दिखाई जाती है, लेकिन एक्चुअल में चीजें ऐसे काम नहीं करती। आपने देखे होगा कि अभी जो रिसेंट चार्ट था हमारा, उसमें और इसमें क्या फर्क है, दोनों को देखने का एक नजरिया अलग है।